आओ शिकार। जी सर। खबरदार जो किसी ने ऐसे हाथ लगाने की हिम्मत की, इसे मेरी गोली लगी है, ये मेरा शिकार है। तुम्हारी गोली से तो चूहा भी नहीं मरेगा, ये शेर है शेर, समझे? देखो सेंगर, मुझे मत ललकारो, मैं जुबान से नहीं बंदूक से बात करता हूँ। तुम बंदूक से बात करते हो और मैं फैसला। इस पवित्र तलवार की सौगंध, जब तक वह हत्यारा जिंदा है, हमारे लिए पानी की एक बूंद भी पीना हराम है। फिर विजय, कमीने, तेरी मौत तुझे बुला रही है। बारा अपने बाप से जाके बोल कि वह बाहर आए और हमसे टक्कर ले। सेंगर, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत नाजुक है, चुपचाप यहां से चले जाओ। हम जाने के लिए नहीं, तेरे बाप को मौत के घाट उतारने के लिए आए हैं। सरकार, छोटे सरकार, बड़े मालिक का स्वर्गवास हो गया। मैं ये तलवार तुम्हारे सीने के पार कर सकता हूं, लेकिन इस मौके पर मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता। याद रखो, अगर आज के बाद तुम्हारे खानदान का कोई भी आदमी इस इलाके में दिखाई दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दबा हो जाओ यहां से, दबा हो जाओ यहां से। डैडी यू नो, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं। और तुम भी तो दुनिया की सबसे अच्छी लाडली हो। डैडी, मेरे बर्थडे का गिफ्ट है क्या? बर्थडे गिफ्ट समझ ले, चाहे एक बाप की अपनी बेटी के लिए दुआ। अरे अरे, ये क्या कर रही है? अरे एक मिनट ठहर तो सही तू, अभी इसकी सवारी मत कर, पहले बाकायदा इसकी ट्रेनिंग तो होने दे। बड़ा सर्कश और मुंह जोर घोड़ा है। ओहो डैडी, डोंट वरी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी एट ऑल। दुर्गा तू बहुत जिद्दी है। ए दुर्गा, हट जा ना डैडी, प्लीज कम ऑन। दुर्गा, दुर्गा,
महाराज। शुक्रिया अदा करके मैं आपके एहसान को मामूली नहीं बनाऊंगी। शुक्रिया किस बात का? एहसान तो मुझ पर किया ऊपर वाले ने, जो ये हसीन इत्तफाक अदा करके मानो मुझको जान बख्शती है। आ गई तुम? दादी, आज अगर ये नहीं मिलते ना तो समझ लीजिए आपकी बेटी इस वक्त इस दुनिया में नहीं होती। कैसी ये शुभ बातें कर रही हो आज के शुभ दिन? आइए चलिए। आखिर हुआ क्या? हुआ ये ठाकुर साहब, हम दोनों की मुलाकात होनी थी, हो गई। और आप तो अच्छी तरह से समझते हैं कि जो चीज होनी है बैठिए, उसको पेश करने का उसका अपना एक अंदाज है, और ये उस अंदाज को सच समझकर हमारी इस मुलाकात को नजरअंदाज कर रहे हैं। उफ, आपसे तो बात करना बहुत ही मुश्किल है। दादी इनसे मिलिए, ये है कुंवर भंवर सिंह डांगा। अरे आप इन्हें जानते हैं? ये तुम्हारे डांगा अंकल मरहूम के साहबजादे हैं। अपनी स्टेट का कारोबार संभालने के लिए अब ये यहीं रहने लगे। कुंवर साहब, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। खेल शुरू कर दिया। पिताजी आप इसे समझाते क्यों नहीं, सारा दिन बंदूक से खेलता रहता है, इसके पास और भी तो खिलौने हैं। सदा सुहागन रहो। बहू, लगता है तुम पर अपने पति के शांति बात का असर पड़ गया है, वरना तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि राजपूत तो बचपन से ही बंदूक और तलवार से खेलता है ना। जमाना बदल गया पिताजी, लेकिन आपके ख्यालात नहीं बदले। बरखुरदार, हमारे ख्यालात कोई गिरगिट नहीं जो मौका देखते ही अपना रंग बदल दे। रंग तो कुदरत भी बदलती है पिताजी। देखा बहू, ज्यादा पढ़ने का यही नतीजा है, यानी बात अभी शुरू हुई नहीं बहस शुरू हो जाती है। अरे ये विशाल इस वक्त कहाँ जा रहा है? जय को देखने जा रहे हैं, सुबह से फार्म पे गया है, दोपहर को खाना खाने भी नहीं लौटा। उसके लड़ने झगड़ने की आदत है ना, इसीलिए फिक्र हो रही है। बहू तुम खाम खा जय की फिक्र न करो, वो अपने भाई की तरह जिंदगी के मसलों को किताबी नजरिए से नहीं सुलझाता, ताकत के लाठी से सुलझाता है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साहब ये ट्रक तो इस रजिस्टर में दर्ज नहीं है। इधर आ। जी साहब। जानता नहीं मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और तू सिर्फ चौकीदार, जा गेट खोल। साहब आपको मैनेजर बने 20 दिन हुए हैं और मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं। आप नहीं जानते हमारे मालिक लोग बहुत सख्त हैं। अरे सुन तो, घबरा मत, मालिकों को कुछ पता नहीं चलेगा। ले। नहीं साहब, अपने पास ले। मैं नहीं लूंगा, मुझसे पाप ना होगा। अरे साहब आप ना खोलिए, मैं बोलता हूँ। ओए हट। मैं कहता हूँ मत खोलो इसे।
हराम कमीने चोरी करता है हा? क्या इसीलिए तूने मुझसे नौकरी की भीख मांगी थी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस भी करो, अब मार डालोगे क्या? भैया आप नहीं जानते लकड़ियों की चोरी करता है। अरे जाने भी दो उसे, बहुत पीट चुके हो, चलो। और फिर चोरी की सजा मौत नहीं होती। भाई आप तो सच पूछिए ना, तो किताबों ने आपको जरूर से ज्यादा ही रंजर बना दिया। तू भी लेक्चर देने लग गया। पिताजी तो वैसे मुझे देखकर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। चल चल बैठ।